कमिश्नर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर एक और बात रखी थी और मैं उसकी भी तारीफ करता हूँ, जब मेरे कायद ने कहा कि हमें पाकिस्तानी या मुल्ला कठुआ बोलने वालों के लिए बिल निकालो और उन्हें 3 साल की सजा का प्रावधान करो, तो ये चुप हो गए, खामोश हो गए। आज ये लोग मेरे भाई हमें कहते हैं हम दहशतगर्द हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अरे जिस हिंदुस्तान के लिए लाखों उलमाओं ने दे दी कुर्बानी, अरे भक्तो फिर भी तुम हमें कहते हो पाकिस्तानी। अरे जिस हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान की टैंकों को उड़ाकर वीर अब्दुल हमीद ने लुटा दी अपनी जवानी, फिर भी तुम हमें कहते हो पाकिस्तानी। अरे इस हिंदुस्तान के अंदर लाल किले से लेकर ताजमहल तक देता है हमारी देशभक्ति की निशानी, और फिर भी तुम हमें कहते हो पाकिस्तानी। अरे टीपू की तलवार सुनाती है हमारी वीरता की कहानी, और फिर भी तुम हमें कहते हो पाकिस्तानी। जब मेरे कायद ने कहा कि 3 साल का प्राप्त 3 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए तो खामोश हो गए। ये तो सच है ना मेरे भाई, आप लोग यहाँ पर रहते हो, उन लोगों से पूछो जो चंद तादाद में चंद प्रतिशत में रहते हैं, वहां पर किस तरीके से हमें देखा जाता है, हमें घूरा जाता है। मेरे भाई मैं दिल्ली की सरजमी पर रहता हूँ, किराड़ी विधानसभा के अंदर, जहाँ पर RSS बजरंग दल ये तमाम हिजड़ों की फौज इकट्ठी रहती है मेरे खिलाफ। लेकिन इन हिजड़ों को बोलता हूँ, दिल्ली में एक मर्द है तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए, तुम आओ सामना करो, उस किराड़ी के अंदर भी जवाब देता हूँ और हिंदुस्तान के अंदर भी जाकर इनको जवाब देता हूँ कि मुसलमानों को कमजोर मत समझना, मुसलमान किसी के गुलाम नहीं है।